देख रहे हैं नेशनल टुडे लाइव धनबाद का लोकप्रिय न्यूज चैनल। मैं हूं सरता। चलिए खबर की ओर। आम तौर पर आपने देखा होगा एम्बुलेंस गाड़ी में अधिकतर मरीज रहते हैं। एम्बुलेंस को देखकर लोग तुरंत पास दे देते हैं। आज धनबाद के वासेपुर में चेक इन अभियान के दौरान कुछ उल्टा नजारा देखने को मिला। एम्बुलेंस में मरीज की जगह सवारी बैठे थे। तकरीबन 15 से 20 लोग गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। अचानक वहां पे तैनात पुलिसकर्मी ने एम्बुलेंस को रोका। ये तो जांच का विषय है, जांच में ही पता चलेगा एम्बुलेंस को सवारी ढोने का पास किसने दिया लॉकडाउन के समय में। देखिए हमारे चैनल के माध्यम से तैनात मजिस्ट्रेट साहब क्या कह रहे हैं। हमारे जो हमारे जवान है वो पकड़े हैं, जो हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं, और तब तक हमारे कुछ मीडिया बंधु आ गए और वो सूचना यहाँ के जो मजिस्ट्रेट हैं उनको दिए और संबंधित थाने को दिए, बैंक मोड़ थाने को। और बैंक मोड़ थाना और भूली थाना दोनों आए, आपस में आगे क्या कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर डिपेंड करता है। गाड़ी में कितने लोग थे बताया गया? सोशल डिस्टेंस का पालन गाड़ी में नहीं हो रहा। सोशल डिस्टेंस का धज्जे उड़ाते लोग नजर आए सर, क्या कुछ कार्रवाई होगी सर? थाना ले जाया जा रहा है, अस्पताल प्रशासन इस संबंध में लिखित में जवाब दे रहा है कि क्या उसमें जो है क्यों किस परिस्थिति में मेडिकल स्टाफ को इतने लोगों को भेजा गया। अभी पुलिस द्वारा कुछ आदेश दिया गया आप लोगों को? स्टाफ को ड्यूटी के बाद घर पर छोड़ने के लिए एम्बुलेंस जा रहा है, क्योंकि दूसरी गाड़ियां अभी उपलब्ध नहीं है, ड्राइवरों की भी बहुत किल्लत है। और लॉकडाउन में देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा लगातार, जिला प्रशासन लोगों को इस बारे में बता रहा है, फिर भी आप एक बार में 20-30 लोगों के एम्बुलेंस में, आपका एम्बुलेंस दो बार में 3 बार में जा सकता था कुछ कम लोगों को लेकर के, फिर भी देखा जाए उल्लंघन किया जा रहा है। अगर 3 बार में हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम रखा जाए, परंतु 3 बार में ये होगा नहीं। अगर इस तरह से शिफ्ट ड्यूटी कराना संभव नहीं होगा। अगर ऐसे में इतनी स्कार्सिटी चल रही है, वैसे में हॉस्पिटल बंद करना पड़ेगा। इसके लिए एक समाधान निकालना है हम लोगों को। हम लोग कल जिला प्रशासन से मिलकर इसका एक समाधान निकालेंगे।